सो है गाइस, मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब ये देख लो, और ये जो आप पीछे देख रहे हो ये है एयरपोर्ट, आपको दिख रहा है अच्छे से। मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया था। और ये देख लो कितने घास पत्ते लग गए हैं, और अच्छे से देख लो यहाँ पे, ये देख सकते हो। और लाइटें भी दिखेंगे आपको लगाए गए हैं, अभी तो जंग लग गया है, मतलब खराब हो गया शायद, साफ सुथराई मतलब सफाई नहीं की गई, जिसके वजह से ये खराब हो गया शायद। ये देख लो, दिख रहा है चंग जुंग जो भी है लग गया है। एयरपोर्ट है बस इसका मिट्टी से, और एयरपोर्ट का ये जो सिमाना दिख रहा है आपको ये मिट्टी के बराबर है, जो कि ये तालाब खोदते समय इस मिट्टी को यहाँ पे ला दिया गया है, मतलब इसके धार इसकी दीवारों के साथ, जो कि इसके समान हो गए हैं अभी, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। देखो एयरपोर्ट कैसे है, और इसके लाइट है बहुत कुछ है, मतलब अभी खराब है। और यहाँ पे जंगल हो गए हैं फिर से, मतलब फिलहाल तो जंगल हो गया है, और इसका काम भी चल रहा है आगे, मतलब रोड बनाए जा रहे वहाँ पे एक, और अभी काम नहीं चल रहा आज, क्योंकि आपको दिखेगा भी नहीं बहुत जंगल है, इसके अंदर काम चल रही है। तो मैं फिलहाल आज मतलब बाजार जा रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी हफ्ता है, तो इसीलिए मैं आज बाजार जा रहा हूँ अब सबको दिखाने के लिए भी। और शायद जा नहीं पाऊंगा उतना दूर, बस जितना दूर जा सकता हूँ वही आपको चल के दिखा देते हैं। और आप ये देख ही सकते हो, देख रहे हो ये इस तरफ भी तालाब है, मतलब यहाँ हर तरफ आपको तालाब ही तालाब दिखेंगे अभी। मतलब ये जो तालाब खोदे गए हैं, इस मिट्टी को शायद भट्टे पे ले जाया गया है, क्योंकि यहाँ के आसपास बहुत से भट्टे हैं, आपको पता ही होगा यहाँ पे 20 से 25 भट्टे हैं, कुछ ज्यादा होंगे 30 होंगे। और इस साइड आपको भट्टे दिखेंगे, जो कि उसका किलिंग दिख रहा है आपको, और इस साइड भी है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाए थे, और अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। और इस साइड इसका घर है जो आपको नहीं दिखेंगे, और यहाँ पे पीछे मेरा लोग जो है आ रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, लगे ये भट्टी का ही लोग हैं, तो ये बाजार जा रहे हैं आज, क्योंकि आज ही हफ्ता है, तो खर्च के लिए हर किसी में जाओ, खर्च के लिए हर किसी को जाना पड़ता है। तो ये जो है मतलब आप पे बाजार जा रहे हैं, देख ही सकते हो, ये छोटी सी रास्ते से जाना पड़ता है मिट्टी का, और रास्ता है नहीं यहाँ पे जाने का, आगे से है, मतलब बहुत घूम के जाना होता है, तो इसी से लोग जाते हैं। और ये बहुत दूर तक है, ये जंगल के अंदर से गुजर के होके जाना पड़ता है। और एयरपोर्ट जो है दिख रहे हो ये कितना लंबा है, अंदर से इसके अंदर से जाना होता है। तो मैं फिलहाल पैदल जा रहा हूँ, देख ही सकते हो मेरे पास साइकिल नहीं है, पापा पापा के पास है, तो पापा पहले ही चले गए, क्योंकि पापा ले जाएंगे नहीं हमें, इसलिए पापा अकेले चले गए। और पीछे आपको बाइक आते हुए भी दिखेंगे, जो कि बाजार ही जा रहे हैं, और किसी किसी के पास बाइक है। तो जब भी बाइक आते हैं तो मोबाइल को मैं पहले बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल चोरी हो जाते हैं इस तरह। तो ये देखो ये बाजार जा रहे हैं, और मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैंने मोबाइल को पीछे से पकड़ा था, इसीलिए दिखा नहीं ये कौन है। और ये भी बाजार जा रहे हैं, और इस तरह ये मोबाइल चोरी हो गए थे, जब बाइक से पीछे से आके मतलब मोबाइल को पकड़ के चोरी करके ले गए। तो मैं कहूँगा जब भी आप वीडियो बनाओ रास्ते पे, जब भी बाइक आते हुए दिखे तो मोबाइल को पहले साइड कर लेना, वरना चोरी हो जाएगी फिर से, और फिर कहोगे कैसे हो गया ये। तो मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, तो आपको पता ही है, और बहुत दूर है अभी। और इस साइड इसका तालाब देख लो कितने विशाल विशाल है, दिख रहे हैं आपको अच्छे से, देख लो ये देखो, दिख रहे हैं भाई गाइस कितने हैं। और इसका मिट्टी शायद भट्टे पर ले गए होंगे, जब भट्टे चालू मतलब स्टार्ट हुए थे। और इतने तालाब है यहाँ पे कि क्या बताऊं, मतलब भट्टे भी जितने हैं उतना ही तालाब है, और इस मिट्टी का शायद भट्टे पर ही दिया गया है, क्योंकि इतने मिट्टी यहाँ पे दिख नहीं रहा, जबकि उठाए गए हैं यहाँ से, तो उतनी मिट्टी यहाँ पे है नहीं, तो आप देख सकते हो। और ये देख लो गाइस, दिख रहे हैं छोटे मोटे जंगल हैं, जो इसके बीच से गुजर के होके जाना होता है। और इसके आस साइड आपको दिखेंगे ये कौन है, लाल, हम तो इसे ढेप कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, आपको दिखेंगे शायद लाल लाल है। तो और एक बाइक आ रहे हैं, तो मेरे लिए साइड हो जाते हैं, क्योंकि रास्ता एक ही है छोटा सा, तो जंगल से होके जाना होता है भाई। चलो, और फिर यहाँ पे, अरे यार क्या बताऊँ, फिर बहुत है, देख रहे हो किस तरह से गुजर के जाना होता है भाई, एक ही जा सकता है बस, साइकिल या पैदल चलो। और ये देखो आप ये सब्जी लेके जा रहे हैं शायद दूसरे बाजार पे, जो हमारे भट्टे के पास है वहीं पे जा रहे होंगे, क्योंकि हर कोई वहां पे नहीं जाते, क्योंकि बहुत दूर है ना, बहुत दूर है, इसी वजह से तो वहीं पे जा रहे होंगे शायद। शायद हमारे यहाँ मतलब जहाँ भट्टे पर हमारे यहाँ बाजार लगते हैं, मतलब छोटा सा बाजार है,
और यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देख लो, देख लो जो माँ सरस्वती के हाथों में होते हैं। और इसके अंदर जा नहीं सकता, मेरे को तो पसंद है लेना है पर जा ही नहीं सकता क्योंकि ये दीवार है ना, देख लो कट्टे लगाए गए हैं। और लोग इसके अंदर जाने के लिए ये देखो क्या कर दिए, इसे चार छोड़ के फेंक दिया है, मतलब इसे पूरी तरह से तोड़ दिया गए हैं, देख रहे हो। और मैं फिलहाल जा ही रहा हूँ बाजार पे, और अब तो यहाँ से बहुत दूर है क्योंकि शायद जा नहीं पाऊंगा उतनी दूर यार, और काफी आगे जाके लौट जाऊंगा फिर घर, क्योंकि बहुत दूर है, जाने का मन नहीं करता जाते जाते, फिर अकेला हूँ इसी वजह से। और जाऊंगा जाते समय तो कुछ नहीं होंगे, पर जब वापस आऊंगी बट्टे पर तब रात हो जाएगी, तो इस वजह से नहीं जाना क्योंकि उतना दूर कौन जाएगा, 5-6 किलोमीटर दूरी पर। और यहाँ पे आपको लोग दिखेंगे जो कि 25 दिसंबर का मतलब नए बड़े दिन, हम जो कहते हैं बड़े दिन, मतलब पिकनिक खाते हैं उस दिन, वो लोग खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, टेंट बना रहे हैं, आपको कैमरे में दिखेगा ही नहीं। ये पेड़ पौधे जो हैं बहुत यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे टेंट बना रहे हैं, खा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज जो है ना, वो तालाब इसके बहुत है यहाँ पे, इस एयरपोर्ट के पीछे बहुत तालाब दिख रहे हैं आपको, और जंगल तो पूछो ही मत, हर जगह दिखेंगे इस तरह से जंगल छोटे मोटे। ये देखो फिर से यहाँ भी देख लो, ये भी तालाब है, मतलब भट्टे भी जितने हैं ना तालाब भी उतने ही है। इस साइड भी भट्टा है जो आपको दिखेगा ही नहीं कैमरे में, मतलब उस जो गांव है आगे उसके पीछे है, तो उतना दूर कौन जाता है भाई, यहाँ जाने का भी रास्ता नहीं है, शायद उस तरफ से है, मतलब उस तरफ जो दिख रहे हैं आपको बहुत दूर है, वो दिखेगा नहीं, उस तरफ से जाने का रास्ता है। और ये देखो, और ये शायद भट्टे पर जा रहे होंगे, अरे यार यहाँ पे कांटे लग गए, दिख रहे हो, ये होता है लापरवाही का नतीजा। ऊपर से तो ये रास्ता छोटा है, और जब भी बाइक आते हैं साइड लेते हो तो फिर कांटे लग जाते हैं, यहाँ पे दिखेंगे ये जो कांटे हैं, लोगों को न जाने क्या चुल मस्ती है यार, कांटे मतलब काटते तो जरूर है पर रास्ते पर ही फेंक देते हैं, उसे पूरी तरह से फेंक नहीं, मतलब यहीं रास्ते से हटा नहीं देते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देख लो ये रास्ते पर इस तरह से छोड़ दिया है, ये देख लो, देख रहे हो, मतलब इसे खींच के इस तरफ रास्ते की तरफ कर दिया गया है। इस तरह से बहुत हैं, इस तरह से बहुत हैं यहाँ कांटे की पेड़, ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं है शायद, ये नीचे है, और ये छोटे छोटे बेर की मतलब पेड़ है जो चलते समय पैरों में लग जाती है, जो पैदल चलते हैं, और जो तो गाड़ी में चलते हैं वो तो आराम से चले जाते हैं यार, और हमें साइड देना होता है क्योंकि हम पैदल चलते हैं ना इसीलिए, और हमें लग जाते हैं क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते, और हम चलते चलते भी बहुत दूर आ चुके हैं, और देख ही सकते हो ये जंगल, और एयरपोर्ट के साथ ही जा रहे हैं हम पीछे पीछे इसके, और एयरपोर्ट के मतलब एयरपोर्ट के यहाँ जो उसकी दीवार है उसके साथ ही साथ रोड बना हुआ है, और ये कितना लंबा है तो पता ही आपको, एयरपोर्ट कितना लंबा होता है और उसका एरिया कितना होता है, उसके पीछे से फिर से घूम के जाओ, मतलब समझ रहे हो ना कितनी दूर जाना होता है हमें बाजार करने के लिए। और आप ये बताओ बाजार करने के लिए कौन जाएगा इतनी दूर, तो देख ही सकते हो यहाँ पे घर बना हुआ है जो कि शायद इस तालाबों को देखने का काम करते हैं, क्योंकि मच्छी बहुत है यहाँ पे, और उसके बचाने के लिए यहाँ पे देख ले हो ये जो बांस की लकड़ी है वो वहाँ पे गाड़ दी गई है, ताकि कोई जाल से या किसी और चीज से ना पकड़ सके, जाल से फेंक के या किसी और चीज से पकड़ के ना पकड़ सके, इसीलिए इसे लगाए गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ से, और लोग आते हुए भी नहीं दिखेंगे आपको अभी बाजार से, और उतने लोग यहाँ पे जाते नहीं बाजार, और ये एक लोग यहाँ पे, उतने लोग बाजार जाते नहीं, और जिसके पास साइकिल है वही चाहे वो तो पहले चले गए, और आप कोई जाते हमारे वहां से तो मैं जरूर वहां से चल के मतलब उसके साइकिल पे चल के जाता, अब तो कोई है नहीं, दिख रहे हो पैदल चलते चलते वक्त बहुत हो गया यार, अब दिन भर काम कर लेने के बाद मेरे को तो चलना ही नहीं आता, मतलब चलने का मन नहीं करता उतना दूर, बस आपको दिखाने के लिए जाना मतलब जा रहा हूँ, और भी बहुत दूरी पर है,
और सामने से इसका रास्ता देखना है, ये देख लो, देख रहे हो मैं चलता ही जा रहा हूँ, ये लंबा होता ही जा रहा है। और ये एयरपोर्ट के दीवारों के साथ ही है लगा हुआ रोड, ये जब खत्म होंगे एयरपोर्ट का दीवार तब इसका आगे के रास्ता होंगे हर मतलब बाजार जाने का, और तब भी बाजार नहीं आएंगे क्योंकि उससे भी काफी दूर है। मैं एक बार गया था पापा के साथ, मतलब एक बार गया था मैं अपने पापा के साथ, मेरे पापा मुझे ले गए थे, अभी तो नहीं ले गए मतलब चले गए पहले ही, और मैं अकेला रह गया। बार बार जाने की कोशिश करता हूँ पापा के साथ, पापा कहते हैं एक ही साइकिल पे कैसे जा सकेंगे दो लोग, बेसिकली मेरे पापा के जो साइकिल है उसमें दो लोग नहीं जा सकते, बस एक ही लोग जा सकते हैं, उसमें पीछे का जो बैठने का जगह होते हैं वो है नहीं मेरे पापा के साइकिल में, शायद है नहीं मतलब है नहीं उसमें, मतलब बैठने की जगह ही नहीं है पीछे, बस एक लोग ही जा सकते हैं जो चलाएगा साइकिल वही। क्या बताऊं गाइस, यहाँ पे कोई लोग भी नहीं है यार जिससे लिफ्ट मांगे, चाहे मतलब साइकिल पे चढ़ के चले या किसी की लिफ्ट लिफ्ट मांगे किसी भी। और ये मिट्टी का रोड है तो गाड़ी भी नहीं चलते जिससे चढ़ के जाना जाए, पैदल पैदल ही चलो, या साइकिल है तो साइकिल से चलो, और जिसके पास गाड़ी है तो वो तो आराम से चलो। तो कल हैप्पी न्यू ईयर है 2024 का, तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, दिल से बधाई मतलब शुभकामनाएं, आशा करता हूँ 2024 आप सभी को अच्छे से मतलब गुजरेंगे 2023 की तरह। सो हे गाइस, तो आज का व्लॉग मेरा यही तक है, तब तक के लिए बाय बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बता देना ये व्लॉग मेरा कैसा लगा, तो बाय बाय।